Hello friends, a very welcome to our MNS Prep channel dedicated to MNS aspirants. This is part six of general knowledge, and part one to five is already provided. You can check it on our channel playlist, or I'll provide you link in the description box. Okay, so let's get start. Question number first is which state has the largest number of Rajya Sabha seats? So in this, which states have the number of Rajya Sabha seats? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज उत्तर प्रदेश ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश हैज अप्रोक्स थर्टी वन राज्यसभा सीट्स ओके सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टू द रूल्स फॉर कॉन्ग्रीगेशनल वॉरशिप दट इज संगत इन्वॉल्विंग कलेक्टिंग रेसिटेशन वर ऑर्गेनाइज बाई स रूल्स फॉर कॉन्ग्रीगेशनल वॉरशिप ये किसने इंट्रोड्यूस किया था ऑप्शंस आर गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक देव गुरु अंगद या गुरु अर्जन करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गुरु नानक देव विच इज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख ओके अब तक टोटल टेन ह्यूमन गुरुज थे एंड इलेवन क्या है आपका गुरु ग्रंथ साहिब सो टोटल टेन गुरुज हैं इन सिखिज्म नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थ्री विच अमंग स्टेट्स नॉट प्रोमिनेंट फॉर एग्रीकल्चर इनमें से कौन सा स्टेट है विच इज नॉट यू नो प्रेंट फॉर एग्रीकल्चर और फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इज ऑप्शन ए ऑफ कोर्स दैट राजस्थान राजस्थान स्टेट इज नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर द डिस्टर्बेंस बिटवीन विच टू रिवर्स हैज बीन बाय अटल टनल सो इनमें से किस दो प्लेसिस uh, को कनेक्ट करता है अटल टनल so the correct answer for this question is manali to Le. manali to Le. these two places were connected by atal tunnel okay near rothang pass so here the image of atal tunnel you can see here this is the atal tunnel marked by red next is question number fifth which one of the following is not the circumstance for प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बाई द प्रेसिडेंट इंडिया अंडर आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो विच वन ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट द सर्कम स्टेंस फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट ओके इनमें से कौन सी इमरजेंसी है जो की नहीं लग सकती अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दट इज आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू सो आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू इज नेशनल इमरजेंसी विच इज इम्प्लीमेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ वॉर एक्सटर्नल वेट, एक्सटर्नल एग्रीगेशन इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड वॉर टाइम बट सॉरी इसका जो करेक्ट आंसर है एट द टाइम ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस हम नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इंटरनल डिस्टर्बेंस next is question number 6 an avalanche is a type of which type of disasters an avalanche is a type of which type of disaster correct answer for this question is option b terrestrial disaster next is question number 7 bagram airbase is located in the famous airbase this is the famous airbase of afghanistan so option c is the correct answer it is located in afghanistan नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट इन एशिया इनमें से कौन सा सबसे ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है एशिया के अंदर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी दैट इज कप ओके डूरेंट कप इज द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट इन एशिया रिमेंबर इन एशिया ओके नाउ यू हैव टू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स विच इज द ओल्डेस्ट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड फुटबॉल टूर्नामेंट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट कौन सा है Next is question number nine. Swami Vivekanand, sorry, Swami Dayanand Saraswati took inspiration from Swami Dayanand Saraswati took inspiration from Vedas. Option is the correct answer. Next is question number nine. Raphael is taken from which country? Raphael, it is taken from which country? Correct answer for this question is option B. That is France. France ki. डिस कंपनी ने राफेल का uh, निर्माण किया है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दैट इज फ्रांस सो दीज वर सम फ्रॉम फ्रॉम सॉरी स्टैटिक जीके आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल मॉक टेस्ट वर ऑलरेडी प्रोवाइडेड सिंस अक्टूबर फोर्टीन सो अक्टूबर सॉरी नवंबर फोर्टीन से आपको टेस्ट मैंने प्रोवाइड किया है अब तक साइंस एंड जीके का एंड इस संडे जो मॉक टेस्ट होगा वो इंग्लिश का होगा एंड आई होप आपको मॉक टेस्ट पसंद आ रहे होंगे मॉक टेस्ट लेना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम नियर बाय है कभी भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो सकता है सो यू शुड प्रिपेयर विद इट ओके लास्ट मोमेंट पर अगर आप मॉक टेस्ट लोगे तो हट्टे आप लगा नहीं पाओगे उतना आपके पास टाइम भी नहीं होगा सो so इसलिए अभी से आप मॉक टेस्ट लेना स्टार्ट करो सो देट यू कैन यू नो जज और परफॉर्मेंस कि आप कितना अच्छा कर रहे हो अपने स्टडी में ओके थैंक यू सो मच